Welcome to Siddharth Family Kitchen. Make sure you subscribe, comment down below, and turn on the notifications. Thank you. Let's get on with this exciting recipe. अस्सलामुअलैकुम जी, तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बेहतरीन प्रोफेशनल स्टाइल में इमली की चटनी की रेसिपी लेके, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में तैयार होगी। अक्सर लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझसे भी शुरू में नहीं बनती थी, फिर मैंने डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई किया, रेसिपीज़ इन अ सेंस कि मैंने कुछ ऊपर नीचे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके देखा, तो कुछ पता लगा कि असल में रेसिपी बनेगी कैसे। तो मैं आपके साथ अपनी बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी। तो इस बेहतरीन चटनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मेरे पास 800 ग्राम इमली है। मैं आपको डायरेक्ट इसकी मिक्सिंग पे लेके जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जैसा कि है मेरे पास ये खजूर। ये खजूर को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया। ये इसके बीज अलग कर लेने हैं, और ये आप हाथ से भी मस लेंगे तो हो जाएगी, वैसे ये वाइल्ड कुकिंग जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये सारी इमली के ये जो पल्प, सॉरी खजूर का जो पल्प था, इसको हमने इसमें ऐड कर लिया। और ये मेरे पास है सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और ये है मेरे पास लाहौरी नमक भी इसे बोलते हैं, ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं इसे। ये नहीं है तो आप, ज़रूरी नहीं है, आप दूसरा सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है लाहौरी नमक है, काला नमक। और ये मेरे पास है 1 कप फुल जो है चीनी। बाज़ लोग चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि मैं डाल रही हूँ खजूर, तो इसलिए 1 कप इनफ होगा। और 1 टीस्पून ही फुल जो है ब्लैक पेपर है, और 1 टीस्पून जो है ही फुल जो है रेड चिली पाउडर है, ये मैं ऐड कर दूँगी। और ये जो अब मेरे पास है, इसका कुछ इस तरह होगा कि हमने क्या करना है, ये मैंने ऐड कर दिए इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स। अब मैं एक स्टीव रख के तो इसको कर दूंगी इसमें ऐड। ये देखें, ये इमली का जो पल्प होल मेरे पास इमली थी टैमरिंड, उसको मैंने पानी में भिगो दिया है, और ये भी तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए भिगी हुई। अगर रात भर भिगी रहे तो वो भी अच्छी है, लेकिन इससे ये कि इसकी गुठलियाँ वगैरह 2 घंटे में भी अलग हो जाती हैं जी। तो ये इमली को जो है आपने ये इस तरह सीव को इसके बॉल के ऊपर रख देना है, और ये हाथों का काम ज़्यादा है। इसको आपने अच्छी तरह दबा दबा के इसका सारा जो इमली का पल्प है उसको ऐसे आपने इसमें से सीव कर देना है, ठीक है। और ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं ताकि नीचे से जो पल्प है वो अलग होता जाए। और ये बेहतरीन तरीका है जल्दी चटनी बनाने का, इससे बहुत जल्दी चटनी बनती है, बहुत आसान है। ये मैं आपको सारा पल्प निकाल के इसी तरह जूस, ये मेरे ख्याल से 4 to 5 ट्रायल में ये सारा पल्प अलग हो जाएगा जी। तो ये देखें, ये सारा पल्प निकल चुका है, और ये देखें बिल्कुल ड्राई रहेगी टैमरिंड। तो इसको जो, ये देखें, ये इसका बकाया रह गया है, ये मैं आपको दिखाती चलूँ, ये है। अब इसको डायरेक्ट मैं आपको फ्लेम पे लेके जाऊंगी, इसे फ्लेम पे रखूंगी और इसे हम पकाएंगे जी। तो ये चटनी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, एक पॉट लें उसमें ये इसको डाल के तो रख दें, और फ्लेम अभी इसको हाई पे रखें। जब इसको उबाला आना शुरू हो जाएगा, इसमें बबल बनना शुरू हो जाएंगे, तब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। कोई सा भी चम्मच लेके लकड़ी का, उसको इसमें अच्छे से मिक्स करते जाएं जी। तो इसको उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं इसके, अब इसका फ्लेम मैं कर दूंगी मीडियम पर, और इसको पकने दूंगी कम से कम 15 मिनट में, इंशाल्लाह ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। और प्लीज़ इसको, मेरे जो तमाम ये जो है रेसिपी, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी बहुत अच्छी बेहतरीन बने तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ये थिक होना शुरू होगी, इट्स बिकॉज ऑफ द डेट्स, खजूरों की वजह से। ये देखिए मुझे हमें अच्छे लगते हैं ये खजूरों के चंक बीच में आते। अभी कुछ देर में मैं आपको इसको ये चम्मच के साथ ही मैश करके बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा मैश हो जाए और थोड़ा थोड़ा मुँह में आए तो ये बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लगता है जैसे आलू बुखारे की चटनी बनी है। तो मैं इसको मज़ीद 15 मिनट पकाने के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। जी तो ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे लाइक 3-4 टेबल स्पून और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करके इस महलूल को हम इमली की चटनी में ऐड करेंगे। ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से मैं बनाती हूँ एक प्रोफेशनल चटनी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की तैयार होती है, आप भी ज़रूर ये कीजिएगा। तो इसको मैं डालूँगी इमली की चटनी में। जी तो ये मैंने इसको अच्छे से ये चम्मच के साथ ही घोट लिया है कि इतना घोटा है कि बस चंद ही चंक्स रह गए हैं डेट्स के। तो ये अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये कॉर्नफ्लोर जो कि मैंने आपको दिखाया है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है ये, मैं इस चटनी के मिक्स जो अमेजा है उसमें मिक्स कर दूंगी। और अब इसको तेज़ तेज़ चलाना है ताकि इसमें कोई भी लंप ना बने, कोई भी गुठली ना बने। और बस ये 1 मिनट में आपकी चटनी हो जाएगी तैयार। जी तो ये था मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि इस चटनी को 4 चांद लगाएगा और बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्टाइल में आपकी चटनी तैयार होगी। और इसको नियरली 15 मिनट्स बस लगेंगे और 15 मिनट में ये चटनी हो जाएगी तैयार। और ये चटनी जो है मैंने, आपने मेरी देखा होगा, मैंने बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ की है, यही रेसिपी है मेरी इस होममेड चटनी की जो कि बहुत अच्छी तैयार होती है, बहुत ही मज़े लेके सब खाते हैं और पता ही नहीं लगता 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, ये देखें थिक हो गई है, ये देखें अभी मैंने फ्लेम ऑन तेज़ किया है, अब मैं बस इसे जो है 15 सेकेंड और पकाऊंगी और फिर उतार के ठंडा करके तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक के साथ दिखाती हूँ। इसकी ये निशानी है कि चटनी हो गई है तैयार, ये देखें आपको फील होगा कि बबल्स जो हैं वो थिक बबल तैयार हो रहे हैं, ये देखें इसके बबल जो हैं वो बड़े बड़े बबल हैं, ये इसकी निशानी है। अब हम इसे उतार के करेंगे ठंडा। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट और ये देखें कितनी बेहतरीन मेरी टैमरिंड चटनी विद डेट्स तैयार हुई है। और मैंने ये देखें ये 4 जार भर के रख ली हैं तो इंशाल्लाह इसको आप सेव कर सकते हैं, 1-2 हफ्ते ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, 1 महीना भी चल जाती है, मेरी तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।